प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस में विरासत की सियासत का नया चमकता चेहरा। 2019 के सियासी महासंग्राम में कांग्रेस का तुरूप का इक्का, जिस पर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने लगाया है सबसे बड़ा दांव। नमस्कार, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हूँ। कल आप सबसे मिलने के लिए मैं लखनऊ आ रही हूँ और मेरे दिल में आशा है कि हम सब मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। एक ऐसी राजनीति जिसमें आप सब भागीदार होंगे, मेरे युवा दोस्त, मेरी बहनें और सबसे कमजोर व्यक्ति, सबकी आवाज सुनाई देगी। आइए मेरे साथ मिलकर इस नए भविष्य, इस नई राजनीति का निर्माण करें। धन्यवाद। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपे जाने के बाद सोनिया गांधी की बेटी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को पहली बार लखनऊ पहुंचेंगी। प्रियंका के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिमी यूपी के प्रभारी विनायक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। यूपी की सियासत में प्रियंका की एंट्री को शानदार बनाने के लिए कांग्रेस ने खास तैयारियां की हैं, क्योंकि इस रोड शो को यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज भी माना जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही उत्साह है, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उसके लिए तो एक ईद और दिवाली की तरीके से कि जो 11 तारीख को जो माहौल जो है आ रहे हैं पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप है। यूपी की सियासत में विरोधी खेमे में हलचल मचाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक रोड शो करेंगे। इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि रोड शो के लिए जिस रूट की इजाजत कांग्रेस ने मांगी थी, जिला प्रशासन ने उस रूट की इजाजत नहीं दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा 4 दिवसीय यात्रा पर लखनऊ आ रही हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय पर तैयारियां जोरों पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे शहर में इस तरह के बैनर्स पोस्टर लगाए गए हैं जहां पे उनका स्वागत किया गया है। पूरे शहर में इसी तरह के आपको बैनर्स पोस्टर दिखाई देंगे। कांग्रेस मुख्यालय पर इस तरह की झंडियां भी लगाई गई है, तो एक तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है प्रियंका के इस दौरे को लेकर। पूरा उत्तर प्रदेश इसमें प्रियंका मय हो चुका है, पूरे उत्साह से लबरेज है। हम लोगों ने नारा दिया है देश के सम्मान में, प्रियंका जी मैदान में मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, वक्त पड़ा तो जान भी देंगे। हमारी बहन प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और ये निश्चित है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का विकास और संपूर्ण विकास होगा, ना कि खोखले वादे होंगे। जो रूट तय किया गया है उसके मुताबिक राहुल, प्रियंका और ज्योतिरादित्य का रोड शो एयरपोर्ट मोड से शुरू होगा। इसके बाद अवध हॉस्पिटल, आलमबाग, नत्था होटल, हुसैनगंज, बर्लिंगटन चौराहा, ओडियन सिनेमा, लालबाग गर्ल्स कॉलेज, लालबाग चर्च, मेफेयर तिराहा, नॉर्दर्न रेलवे ऑफिस, हजरतगंज, डीएसओ चौराहा, राजभवन, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, सुनी वक्फ बोर्ड कार्यालय होते हुए यूपी कांग्रेस कार्यालय तक जाएगा। रोड शो के दौरान तीनों नेताओं का स्वागत करने के लिए जगह जगह मंच भी बनाए गए हैं। कांग्रेस दफ्तर में राहुल, प्रियंका और ज्योतिरादित्य यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन करेंगे। तीनों नेताओं के साथ होने वाली इस बैठक के लिए यूपी कांग्रेस के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसदों को बुलाया गया है। रोड शो और बैठक के बाद राहुल गांधी सोमवार शाम को ही वापस दिल्ली लौट जाएंगे, जबकि प्रियंका और ज्योतिरादित्य 14 फरवरी तक लखनऊ में ही डेरा डालेंगे। प्रियंका को कुछ और ना हो, देखने ही लोग आ जाएंगे। जिस किस्म से मीडिया में उनकी चर्चा रही, लोग कुछ खींचेंगे प्रियंका के लिए, वो है, उसका इम्पैक्ट वो पड़ता है, वो सभी जानते हैं। पर ये कहना कि यूपी में प्रियंका के आने से यूपी का मोड़ ही बदल जाएगा, ये मुझे नहीं लगता। प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी यूपी के प्रभारी हैं, जहां लोकसभा की 38 सीटें हैं। प्रियंका और सिंधिया अगले 3 दिन लखनऊ में अपने अपने क्षेत्रों की चुनावी रणनीति का खाका खींचेंगे। बताया जा रहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र से 20-20 लोगों को बुलाया गया है। इन 20 लोगों में पार्टी पदाधिकारियों के अलावा पूर्व या मौजूदा जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।
लोकसभा वार होने वाली इन बैठकों में संभावित प्रत्याशियों से लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। 2014 में यूपी की बदौलत केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने सिर्फ माया अखिलेश की जोड़ी ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा की भी चुनौती है। 2019 में किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज, कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, इन सवालों का जवाब देने का दम अगर देश के किसी एक सूबे में है तो वो है उत्तर प्रदेश। और यही वजह है कि 5 साल बाद फिर से सत्ता में आने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव यूपी में चला है। अभी तक राहुल गांधी की मददगार के तौर पर नजर आने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो चुकी है। प्रियंका गांधी को अभी तक आपने सिर्फ अमेठी और रायबरेली के चुनाव प्रचार में ही देखा होगा, लेकिन अब प्रियंका के कंधों पर पूर्वी यूपी की 42 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी है। प्रियंका जी का सक्रिय राजनीति में आना, उसने भी बड़ा मनोबल बढ़ाया है, लेकिन इन सब को सामने रखकर हम ये नहीं मानते हैं कि अब हम आराम से बैठे रहे और हमको विजय प्राप्त हो जाएगी और खुद हमारे कदम चूमेगी, हमको उसके लिए संघर्ष करना होगा। 47 साल की प्रियंका के कंधों पर अब उसी पूर्वांचल में कांग्रेस की नैया पार लगाने का जिम्मा है जहां से कभी उनके परनाना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा के लिए चुनकर जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ गंगा में काफी पानी बह चुका है। आज पूर्वांचल बीजेपी का मजबूत गढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो एक और कहना चाहता हूँ, अभी तक ये लोग सांप्रदायिकता का रंग लगाते थे, अब ये स्वयं कुंभ मनाने जाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी की 80 में से सिर्फ 2 सीटें अमेठी और रायबरेली पर ही जीत हासिल हुई थी। रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी सांसद हैं। ऐसे में प्रियंका के सामने यूपी की पथरीली सियासी जमीन पर कांग्रेस को फिर से खड़ा करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि एसपी बीएसपी के गठबंधन से भी है। तो अगर ये कोई गेम चेंजर की बात है, फिर तो राहुल गांधी को हटाएं, प्रियंका को अध्यक्ष बना दें। अगर वो ये महसूस करते हैं प्रियंका गेम चेंजर है, तो उन्हें सारे देश का गेम चेंज करना चाहिए। कांग्रेस ने प्रियंका को ऐसे रण में उतारा है जहां गांधी सरनेम के अलावा उनके पास कोई बड़ा सियासी हथियार नहीं है। हालांकि युवाओं के बीच प्रियंका की पॉपुलैरिटी यूपी में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस के लिए नई ऑक्सीजन साबित हो सकती है, लेकिन 3 दशक से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो प्रियंका की पॉपुलैरिटी को वोट में तब्दील कर भी पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।